फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेक्टर एजुकेटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के साथ इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिनर करने। जी हाँ, मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ कुछ ऐसे ही इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस करने जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम कौन से इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, हम उन इडियम्स और फ्रेजेस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं पहले और ये बार बार रिपीट भी हो रहे हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आगे आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, हम अपना पहला इडियम देखते हैं। पहला इडियम आप सभी के सामने है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ डीप थॉट्स। जब आप लोग बहुत ही ज्यादा विचारों में खो जाते हैं ना, विचार मग्न हो जाते हैं, खो जाते हैं, अपने ही थॉट्स में खोए हुए होते हैं, उसे बोलते हैं ब्राउन स्टडी। और सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा है द स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी वेर इन ब्राउन स्टडी, मतलब लाइब्रेरी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्राउन स्टडी में। देखो यहाँ पे हमने ब्राउन स्टडी यूज किया है, तो वेर इन ब्राउन स्टडी का मतलब होता है कि वो डीप थॉट्स में खोए हुए हैं। तो आई होप आप सभी को ब्राउन स्टडी का मीनिंग क्लियर होगा। आइए अगला आइडियम डिस्कस करते हैं। अगला आइडियम आप सभी के सामने है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है इन अ ब्रीफ फॉर्म, मतलब संक्षेप में, संक्षिप्त में, ये मतलब होता है इन अ नटशेल का। और सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा है जस्ट टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल। देखो यहाँ पे हमने इन अ नटशेल इस सेंटेंस में यूज किया, जस्ट टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल, मतलब मुझे ये जो कहानी है, मुझे ये जो स्टोरी है इसको नटशेल में बताओ, मतलब संक्षेप में बताओ, ब्रीफ में बताओ, शॉर्ट में बताओ, तो ये मतलब होता है इन अ नटशेल का। आई होप आप सभी को इन अ नटशेल का मीनिंग क्लियर है। आइए अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है हमारा ग्रीस द पाल्म। ग्रीस द पाल्म का मतलब होता है टू ब्राइब, रिश्वत देना किसी को। और इसको सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा है वी हैड ग्रीस द पाल्म ऑफ द वेटर टू गेट अ टेबल इन द क्राउडेड रेस्टोरेंट। हम लोग जब किसी रेस्टोरेंट में गए, वो रेस्टोरेंट कैसा था, वो रेस्टोरेंट क्राउडेड था, बहुत भीड़ थी उस रेस्टोरेंट में। अब वहां पे अगर हमें टेबल चाहिए, मतलब इतनी भीड़ थी कि कोई टेबल खाली नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने वहां पे वेटर को थोड़ी सी रिश्वत दे दी, थोड़ी सी ब्राइब दे दी। क्या किया, वेटर का जो पाल्म है, वेटर का हाथ जो है उसको ग्रीस किया है ना, तो हमने वेटर का पाल्म ग्रीस किया जिससे कि हमें एक अच्छा टेबल मिल गया। तो ग्रीस द पाल्म का मतलब होता है टू ब्राइब। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सेंटेंस में यूज किया है ग्रीस द पाल्म, तो ग्रीस द पाल्म का मीनिंग आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइव, रिश्वत देना। आइए अगला आइडियम देखते हैं। अगला आइडियम है हमारा टॉक बिग। टॉक बिग का मतलब होता है टू बोस्ट और ब्रैग, मतलब डींगे हाँकना। जब हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा शेखी वघारते हैं, उसको बोलते हैं टॉक बिग, डींगे हाँकना, और बोस्ट, टू बोस्ट। तो सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा है ही टॉक्स बिग बट डजंट एक्चुअली डू एनीथिंग। यहाँ पे किसी की बात हो रही है, वो क्या करता है, वो बड़े बड़े डींगे हाँकता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एक्चुअली वो कुछ काम नहीं करता, वो सिर्फ बोलता है कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन एक्चुअली वो कुछ करता नहीं है। तो टॉक बिग का मतलब होता है टू बोस्ट और ब्रैग। यहाँ पे देखो सेंटेंस में हमने ये यूज किया है इडियम टॉक्स बिग, मतलब कोई है जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन एक्चुअली वो कुछ काम नहीं करता। आई होप आप सभी को इस इडियम का मीनिंग क्लियर है। टॉक बिग का मीनिंग होता है टू बोस्ट और ब्रैग, डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। आइए अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है हमारा व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज। जब कोई चीज बहुत महंगी हो लेकिन वो बेकार की हो, किसी काम की ना हो, तो उसे बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट, एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज। तो इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने है दिस रेडियो इज रियली अ व्हाइट एलिफेंट टू मी, मतलब यहाँ पे ये जो मेरा रेडियो है, ये रेडियो एक व्हाइट एलिफेंट है मेरे लिए, मतलब ये रेडियो महंगा तो है लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, अब ये बेकार का है। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज। देखो यहाँ पे सेंटेंस में हमने व्हाइट एलिफेंट यूज किया, दिस रेडियो इज रियली अ व्हाइट एलिफेंट टू मी, ये जो रेडियो है ये महंगा है लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है। आई होप आप सभी को व्हाइट एलिफेंट का मीनिंग क्लियर। आइए अगला आइडियम देखते हैं। अगला आइडियम है हमारा स्टेर अ फिंगर। स्टेर अ फिंगर का मतलब होता है मेकिंग एफर्ट, कोशिश करना। जब हम कोशिश करते हैं ना थोड़ी सी, उसे बोलते हैं स्टेर अ फिंगर। और सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा है ही वुड नॉट स्टेर अ फिंगर टू हेल्प यू। तो यहाँ पे किसी की बात हो रही है, वो क्या करेगा, वो थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करेगा, किस चीज के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो He would not stir a finger to help you. वो तुम्हारी हेल्प करने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करेगा। तो stir a finger का मीनिंग होता है making effort, कोशिश करना। आई होप आप सभी को stir a finger का मीनिंग क्लियर है। आइए अगला idiom देखते हैं। अगला idiom है हमारा pros and cons. Pros and cons का मतलब होता है for and against,
पक्ष और विपक्ष में, तो इसको आपने देखा होगा जब भी कोई डिबेट होता है ना, तब डिबेट में क्या होता है, कुछ लोग उसके फॉर में बोलते हैं, कुछ लोग उस टॉपिक के, उस मैटर के अगेंस्ट में बोलते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष में और विपक्ष में, फॉर एंड अगेंस्ट। तो इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने है, वी शुड लिसन ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मैटर बिफोर वी मेक अ डिसीजन। किसी भी डिसीजन को बनाने से पहले, किसी भी डिसीजन पे आने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें इस मैटर के पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों को सुन लेना चाहिए। मतलब हमें इस मैटर के फॉर वाले लोगों को भी सुनना चाहिए और इस मैटर के अगेंस्ट वाले लोगों को भी सुनना चाहिए कोई भी निर्णय लेने से पहले, बिफोर वी मेक अ डिसीजन। तो प्रोज एंड कॉन्स का मीनिंग होता है फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। आई होप आप सभी को इस idiom का मीनिंग क्लियर है। आइए अगला idiom देखते हैं। अगला idiom है हमारा मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है अ वेल्दी मैन, बहुत ज्यादा समृद्ध व्यक्ति, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति, इसे बोलते हैं मैन ऑफ मीन्स। और सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा है, ओनली अ मैन ऑफ मीन्स कुड अफोर्ड सच अ बिग हाउस। मतलब इतना बड़ा घर कोई समृद्ध व्यक्ति ही खरीद सकता है, इतना बड़ा घर कोई वेल्दी मैन ही खरीद सकता है। और वेल्दी मैन का मतलब क्या है, मैन ऑफ मीन्स। तो यहाँ से हमें इस idiom मैन ऑफ मीन्स का मीनिंग क्लियर हुआ। आई होप आप सभी को अब इसका मीनिंग पता है। आइए अगला idiom देखते हैं। अगला idiom है हमारा हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है अलोन, अकेला। और सेंटेंस के थ्रू समझते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग। तो सेंटेंस आप सभी के सामने, आई कांट लीव हर हाई एंड ड्राई, मतलब मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं उस लड़की को या मेरी जो फ्रेंड है मान लीजिए, उसको मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं उसको हाई एंड ड्राई नहीं छोड़ सकती। हाई एंड ड्राई मीन्स अलोन, अकेला। अगला idiom है हमारा एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, कोई परिणाम ना निकलना। किसी चीज़ को हम करते हैं, किसी काम को हम करते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है, अगर उसका परिणाम ना निकला तो उसे हम लोग बोलते हैं एंड इन स्मोक। मतलब हर चीज़ धुंधली है, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है ना, मतलब कोई परिणाम निकल ही नहीं रहा है, ये मतलब होता है एंड इन स्मोक का। और सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा है, इफ़ यू डोंट डू समथिंग सून ऑल योर प्लान्स विल एंड इन स्मोक। मतलब तुम जल्दी ही अगर कुछ काम नहीं करोगे, जल्दी ही कुछ चीज नहीं करोगे, तो क्या होगा, तुम्हारे जितने भी प्लांस हैं वो सारे एंड इन स्मोक हो जाएंगे। मतलब उन सारे प्लांस का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, लास्ट में तुमको बस निराशा मिलेगी। तो एंड इन स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, कोई परिणाम ना निकलना। तो ये कुछ idioms थे जो आज हमने डिस्कस किए। जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोल रही हूं और आप सब अब अच्छे से जान चुके हैं कि ये वो idioms हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, और आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को इन idioms का मीनिंग क्लियर है, आपको सेशन पसंद आया है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।